नमस्कार सभी श्रोताओं वक्ताओं गणमान्य को मेरा नमस्कार। और आज के वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं 21 अगस्त को होने वाली एक ऑनलाइन परिचर्चा के विषय में, जिसका विषय ही रखा गया है ऑनलाइन परिचर्चा। जी हां, हिंदी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जा रही है ये परिचर्चा 21 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे से, जिसे आप जूम ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। इस परिचर्चा में आपको रूस, अमेरिका और श्रीलंका से 3 वक्ताओं को सुनने का मौका मिलेगा, और जिनके विषय रहेंगे कि विदेश में हिंदी, जी हाँ विदेश में हिंदी की क्या स्थिति है, क्या माहौल है, और क्या साहित्य, रोजगार और आसपास के माहौल में हिंदी, हिंदी साहित्य एवं हिंदी रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। इस विषय पर होगी परिचर्चा आप सभी के साथ में। वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता लगेगा देखने के बाद कि वक्ता किस विश्वविद्यालय से है, क्या विशेष बोलने वाली हैं, और क्योंकि तीनों वक्ताएं महिलाएं हैं इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। पहली वक्ता हैं इस कार्यक्रम की पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की हैं और अमेरिका से संबंध रखती हैं, और इनका नाम है सुचिता सेन जी। जी हाँ सुचिता सेन जी हैं और आपके समक्ष होंगी। सुचिता सेन के साथ साथ रूस के सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में हिंदी शिक्षिका एक तेरिना कस्तोरनिका जी। जी हाँ नाम में यदि गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। और श्रीलंका से आपके समक्ष होंगी रिया लंचकार। तीनों ही वक्ता हिंदी, हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य में क्या है संभावनाएं, उस विषय की विशेष हैं, विशेषज्ञ इस बात का। तीनों ही वक्ता अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ आप वीडियो को कैसे आगे शेयर करें या ना करें ये आपका निर्णय है, लेकिन इस परिचर्चा में आप जूम ऐप के माध्यम से हो सकते हैं शामिल। और साथ ही साथ हिंदी विभाग पंजाब विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज पर भी आप इस परिचर्चा में हो सकते हैं शामिल, और दोनों ही प्लेटफॉर्म पर आप लाइव जुड़ सकते हैं, वक्ताओं से अपने सवाल कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं के प्रतिरूप अपने सवालों को भी पूछ सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं टीका टिप्पणी के रूप में। जूम ऐप का लिंक और पासवर्ड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। वीडियो में दी गई सूचना पर कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर से ज़रूर करें, और याद रखें विषय है विदेश में हिंदी। जी हाँ विदेश में हिंदी, इस ऑनलाइन परिचर्चा में आप सभी हों शामिल, क्योंकि पंजाब विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग एक हिंदी महा उत्सव मना रहा है पूरे जुलाई के महीने में, और अगस्त के महीना भी उसमें लगातार जुड़ा रहा है। तो इसी को लेकर कई प्रतियोगिताएं, कई इवेंट्स और कई परिचर्चाएं हो रही हैं। उसी क्रम में 21 अगस्त दोपहर 2 बजे से लगभग 2 से 2:30 के बीच में ये परिचर्चा आप सभी के समक्ष होंगी। आप सभी इसे देखें और अटेंड करें। और एक विशेष सूचना, इसी विश्वविद्यालय के, खासकर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के द्वारा एक कविता लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है, उसमें भी आप हो सकते हैं शामिल, और 31 अगस्त तक भेज सकते हैं अपनी कविताएं। क्या है वह सभी सूचनाएं, उसका लिंक और उसकी सूचना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, जिसमें आप सभी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। किस विषय पर कविता भेजनी है, कब तक भेजनी है, क्या नियमावली है, क्या पुरस्कार राशि है और कैसे मिलेगा प्रमाण पत्र, वह सभी सूचना उस वीडियो में दी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो को देखा, पसंद किया, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आपने देखा और समय दिया, पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।